जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरा देश इस वक्त 42 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर सोग मना रहा है, मेरे साथ इस वक्त फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडे काटजू साहब मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर, पुलवामा आतंकवादी हमले पर जस्टिस मार्कंडे काटजू का क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो मारे गए 42 सीआरपीएफ जवान, तो मैं इसकी तो निंदा करता ही हूँ, कंडेम करता हूँ, मगर साथ साथ ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो आजकल इतनी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं कि बदला लेना है, बदला लेना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बदला लेने का क्या मतलब होता है? आप जो जिन लोगों ने ये कांड किया है वो तो गायब हो गए, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कश्मीर में, जो हकीकत है कि इधर हमारे राजनीतिक नेताओं ने जो बेवकूफ़ी की नीति अपनाई कश्मीर के प्रति दशकों से, उसका नतीजा हुआ कि तकरीबन पूरी कश्मीरी जनता भारत के विरोध में खड़ी है, टोटली एलिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड बिटरली हॉस्टाइल टू इंडिया, कश्मीरी पॉपुलेशन हो गई है, ये हकीकत है। तो हालांकि मिलिटेंट्स तो होंगे 400-500 जिनके पास हथियार हैं, सारी जनता के पास हथियार नहीं है, मगर जनता बहुत हद तक समर्थक सिंपथाइजर है मिलिटेंट्स की। तो वो जैसे कहते हैं ना कि गुरिल्ला वॉर में द पीपल हु आर द सी एंड द गुरिल्लाज आर द फिश हु स्विम इन देम एंड विदाउट द वाटर द फिश विल डाई। तो यानी कि गुरिल्ला वो तभी चल सकती जब पॉपुलर सपोर्ट हो, और पॉपुलर सपोर्ट है क्योंकि पीपल की सिंपथी, कश्मीरी जनता की सिंपथी है मिलिटेंट्स के प्रति। तो ये कुछ जैसे अटैक करते हैं, हिट एंड रन जो गुरिल्ला टैक्टिक्स होती हैं, अटैक करके ये गायब जनता में गायब हो जाते हैं, और जनता इनको शेल्टर देती है, फूड देती है, इंटेलिजेंस देती है, ये छिप जाते हैं, गायब हो गए। तो इनको तो अब जो असल में कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने कांड किया, उनको तो पकड़ पाएंगे नहीं, उन पर तो बदला ले नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो गायब हो गए, दे हैव मेल्टेड इनटू द कश्मीरी पॉपुलेशन, कौन है कहाँ है ये आपको कभी नहीं मालूम होगा। तो किस पे बदला लेंगे? अब दूसरा बात हो रही कि पाकिस्तान पे अटैक करिए, तो देखिए एक तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक नहीं है पाकिस्तान। आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी एक बार, वो तो ऐसे ही हुआ जैसे कि एक आदमी रात को सो रहा है अपने घर में, आप 12 बजे 1 बजे रात में चुपके से उसके घर में घुसे और वो सो रहा है, उसको एक तमाचा मार के भाग गए, ये हुई आपकी सर्जिकल स्ट्राइक। मगर अब वो आदमी सो नहीं रहा है, अब पाकिस्तानी फौज तैयार है, अब आप मतलब दे आर ऑन देयर गार्ड, अब एक झटके में सरप्राइज में नहीं ले सकते उनको। तो अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी इस बार, तो बड़े कस के रिटेलिएशन होगा एंड यू मे एंड अप विद अ ब्लडी नोज। इस बार आप नहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएंगे क्योंकि वो तैयार बैठे हैं, दे आर ऑन देयर गार्ड, तो वो भी नहीं संभव है। तो अब बदला कैसे होगा? दो ही तरीके हैं बदला। एक तो ये है कि जो कश्मीर के लड़के हैं, हिंदुस्तान में पढ़ रहा है बेचारा लड़का, या किसी की दुकान है, बहुत शहरों में भारत में दुकानें हैं कश्मीरियों की, वो अपने लाते हैं वहाँ से कारपेट शॉल वगैरह कश्मीर से बेचते हैं, दो रोटी कमा रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं, उन पर हमला करिए आप, निहत्थे लोगों, हेल्पलेस लोगों पे हमला करी, बड़ी बहादुरी का काम है। और या बदला लेने का तरीका यह है कि जैसे वियतनाम वॉर में होता था कि जैसे वियतकॉन्ग जो गुरिल्लास थे वो अमेरिकन्स को एम्बुश करते थे, उनकी अमेरिकन्स की बस उड़ा दी या होटल में जहाँ ठहरे हैं उनको उड़ा दिया बॉम्ब से, तो बदले में अमेरिकन फौज गई कोई गाँव में और 30-40 निहत्थे लोगों को, सिविलियंस को पकड़ के गोली से मार दिया और कहा यही थे वो टेररिस्ट जिन्होंने वो कांड किया है, उनको ब्रांड कर दो कि यही है वो मिलिटेंट्स, जबकि वो अब मगर उससे क्या होता है
कि आप एक इनोसेंट आदमी को मारेंगे तो उसके जो रिश्तेदार और दोस्त हैं वो जो अभी तक तो नॉन मिलिटेंट थे सिविल, वो भी अब बदले की भावना आ जाएगी उनमें कि मेरा भाई मार दिया जबकि उसने कुछ किया ही नहीं, या मेरा बेटा मार दिया गया, बाप मार दिया गया। तो आप नॉन मिलिटेंट को भी मिलिटेंट बना रहे हैं, तो मिलिटेंसी और बढ़ेगी। और इस तरीके से वियतनाम में तो पूरी जनता अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गई, तो वैसे ही मिलिटेंसी और बढ़ेगी उससे। तो अब लिहाजा आप का बदला लेने का क्या मतलब है? अब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बात करने का समय ख़त्म हो गया है, अब हमें एक्शन लेना। तो क्या एक्शन लोगे बताओ? ये तो बता नहीं रहे हो तुम। इनोसेंट लोगों को, निर्दोष लोगों को कश्मीर मारोगे, या यहाँ विद्यार्थियों को पीटोगे, दुकानें तोड़ोगे, हैं? ये है तुम्हारी बहादुरी? जस्टिस साहब, आज ये हम देख रहे हैं जब से हमने इंटरव्यू शुरू किया है आप एक ये डंडा लेके हाथ में बैठे हुए हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है क्यों आपने ये डंडा हाथ में ले रखा है आज? देखिए, ये डंडा मेरा जो है इसलिए मैंने लिया है कि मैं भी कश्मीरी हूँ। तो जैसे ये लोग कश्मीरी विद्यार्थियों पे अटैक कर रहे हैं, देहरादून में डीन को रिज़ाइन करना, कश्मीरी डीन को रिज़ाइन किया, और कहाँ कहाँ उन पर जुल्म हो रहा है और दुकानें तोड़ी जा रही हैं कश्मीरियों की। मैं भी कश्मीरी हूँ, मेरे पास आओ अगर हिम्मत हो, बहुत बहादुर हो ना। तो ये तो डंडा उसी का तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? ये निहत्थे लोगों पे क्यों हमला करते हो? आओ, हिम्मत, बड़े बहादुर हो ना, तो आओ। ये डंडा तुम्हारा इसीलिए मैं रखा हूँ, उन लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि हाँ आओ। तुम्हारी जो सारी जो गुंडई है, जो तुम्हारी बहादुरी है, मैं इसी से निकाल दूँगा, हैं? तो इसीलिए मैं ये रखा हूँ अपने हाथ में, इंतज़ार कर रहा हूँ उन लोगों का। सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा मामला हमारे सामने आया, तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो बस वहाँ से निकली, क्या चूक कहाँ हुई? सवाल ये पैदा होता है, इतनी बड़ी एक गाड़ी इतने बड़े बारूद के साथ भरी हुई वो जाके टकरा जाती है, कहीं सिक्योरिटी में कोई चूक हुई, क्या मामला है? देखिए, मैंने बताया कि कश्मीरी जनता 99% अब मिलिटेंट्स के साथ हो गई, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 साल से इतनी बेवकूफ़ी की नीति अपनाई थी कश्मीर के प्रति कि उनको बहुत नाराज़ कर दिया कश्मीरी जनता को। तो लिहाजा वो 99% कश्मीरी अब वो मिलिटेंट्स के सपोर्ट में है, वो बिल्कुल दे आर बिटरली हॉस्टाइल टू इंडिया। तो वो इंटेलिजेंस भी देते हैं, सबके सब मिलिटेंट नहीं हैं, मिलिटेंट्स तो 400-500 हज़ार होंगे, मगर बाकी जनता सिंपथाइजर्स हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी होगी कि ये आ रहा है कॉन्वॉय CRPF का, तो उसी तरीके से हमला हुआ। तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए भैया, कार्रवाई, मगर कार्रवाई का मतलब क्या है ये बताओ ना। तुम क्या करोगे? जो असल जिन्होंने ये कांड किया वो तो गायब हो गए, वो जनता में मिक्सअप हो गए हैं, अब जनता उनको छुपा लेगी, क्योंकि जनता सब उनके सिंपथाइज करती है, वो उनको सेंचुरी शेल्टर सब देगी, तो आप उनको तो पकड़ नहीं पाएंगे, असल मुजरिम को तो पकड़ नहीं पाएंगे। आप एक निर्दोष लोगों को पकड़ के कह दो यही है असल मुजरिम, और उसको गोली मार दो, जैसे हुआ था वियतनाम में, यही होता था। माई लाई बड़ा मशहूर मैसेकर हुआ था कि कहीं गांव में ये सस्पेक्ट करते थे अमेरिकन, यहाँ शायद ये गुंडा छुपे हुए, तो पूरे गांव को भून डाला, सारे औरतें बच्चों सबको मार डाला। ये बहुत कांड हुए, माई लाई तो एक ही था, ऐसे बहुत सारे माई लाई हुए वियतनाम में, मगर उससे और गुस्सा बढ़ता है, और जो नॉन मिलिटेंट्स हैं वो भी मिलिटेंट्स हो जाते हैं बदला लेने के लिए, तो उससे तो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, तो ये तो बढ़ता चलेगा। इसके थमने की कोई मैंने कहा, देखिए एक मैंने बता दिया, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है, कि कश्मीर प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, वो एक ही सलूशन है, दैट इज़ रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अंडर अ स्ट्रॉन्ग सेकुलर गवर्नमेंट, जो ये एक तरफ तो पूरा रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट कर दें, मगर साथ साथ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और बिगटरी को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो रिलीजियस बिगटरी करे उसको सख्त सज़ा मिले। तो ये जब तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी ऐसी, इंडिया रीयूनाइट नहीं होगा, तब तक ये मामला और बढ़ता चलेगा, मगर उसमें इंडिया का रीयूनाइट होने में 10-15 साल लगेगा।
तो आप एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो मॉडर्न माइंडेड हो, जो देश की वेलफेयर का देखभाल करे और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करे इंडिया की, और सेकुलर हो, ना हिंदू कम्युनलिज्म को बर्दाश्त करे और ना मुस्लिम कम्युनलिज्म को, जो भी कम्युनलिज्म करे उसको पागल कुत्ते जैसे गोली से मार डालो, चाहे वो हिंदू कम्युनल हो चाहे मुस्लिम कम्युनल। दे आर मैड डॉग्स, दे मस्ट बी शॉट डेड। हमारे साथ इस वक्त जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब मौजूद थे और एक अलग अंदाज में डंडा लिए हुए जस्टिस साहब बैठे हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कश्मीरी निहत्तों को और जो सिविलियंस हैं जिनका इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने असल जुर्म किया है उन तक पहुंचा जाए, और जस्टिस साहब एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो कम्युनल फ्री हो, इस तरह के विवादात, इस तरह की सांप्रदायिक नफ़रतों को फैलाने से दूर हो। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाज़िम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।